पर प्रोटेक्शन वन अनब्रेकिंग वन रेस्पिरेशन वन, इस पर प्रोटेक्शन वन, प्रोटेक्शन वन, प्रोटेक्शन वन अनब्रेकिंग वन, नाइस। तो पिछली बार हम लोग माइन पर गए थे जहाँ पर मुझे कुछ डायमंड मिल गए थे, उनमें से तीन डायमंड के मैंने एक डायमंड पिकेक्स बना ली और 5 डायमंड अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं जिनसे मैं इंचेंटिंग टेबल बनाने वाला था। तो इंचेंटिंग टेबल की रेसिपी देख लेते हैं। इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए मुझे एक बुक, 2 डायमंड और 4 ऑब्सीडियन चाहिए। तो हमारे पास डायमंड तो है, बुक भी है, मुझे 3 ऑब्सीडियन और चाहिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपने उसमें देखा होगा कि मुझे कुछ डायमंड लावा पूल के किनारे मिले थे। तो मैं वापस उसी लावा पूल के पास जाने वाला हूँ और वहाँ से 3 बकेट लावा लेकर आने वाला हूँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उस लावा पूल के पास जिसके पास मुझे कुछ डायमंड मिले थे। यहाँ से मैंने डायमंड पिक किए थे। अब यहाँ से कुछ लावा बकेट, ओ ओ ओ, ये हो गए 3 लावा बकेट। अब बाहर चलते हैं और बाहर इनको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो लावा लेकर ये पहुंच चुका हूँ मैं घर और इनसे अब ऑब्सीडियन बनाते हैं। एक, ओके गैस, तो ये हो गए हमारे पास टोटल 4 ऑब्सीडियन और वहाँ रास्ते में मुझे 2 डायमंड्स भी मिल गए थे। तो यहाँ टोटल हमारे पास 7 डायमंड हो चुके हैं। तो अब इंचेंटिंग टेबल बनाते हैं। और ये आ गए हमारे पास इंचेंटिंग टेबल। इसे अभी के लिए यहीं पर रख देता हूँ, बाद में इसके लिए बुक शेल्फ का जुगाड़ किया जाएगा, उसके बाद इसे लेवल 30 पर पहुँचाएंगे, लेकिन अभी हमारे लिए बस यही काफ़ी है। तो अपने आर्मर को इंचेंट कर लिया जाए। प्रोटेक्शन वन, नाइस, इसे ले लेते हैं। मुझे प्रोटेक्शन ही चाहिए, ठीक है, इसे बाद में देखता हूँ। इस पर प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, इस पर प्रोटेक्शन ले लेते हैं। इस पर प्रोटेक्शन वन मिल रहा है, नाइस, इसे ले लेते हैं। और इस पर भी प्रोटेक्शन वन, नाइस। ओके, तो हमारे पास 4 आर्मर पीसेज इंचांट हो चुके हैं। इस पर प्रोटेक्शन वन, अनब्रेकिंग वन, रेस्पिरेशन वन, इस पर प्रोटेक्शन वन, प्रोटेक्शन वन, प्रोटेक्शन वन, अनब्रेकिंग वन, नाइस। तो ये कर लिया हमने अपने आर्मर को इंचांट। अब अपने टूल्स को भी इंचांट कर लेते हूँ। इस पर मुझे एफिशिएंसी वन मिल रही है, आई गेस एफिशिएंसी वन काफ़ी होनी चाहिए। एफिशिएंसी वन, इस पर मुझे मिल रहा है फायर स्पैक, ये ले लेता हूँ। और इस पर एफिशिएंसी वन, नाइस। ओके गाइस, तो ये हो चुके हैं हमारे आर्मर और हमारे टूल इंचांटेड। इसके बाद अब हम लोग एक्सप्लोरेशन पर निकलने वाले हैं। तो खेती बाड़ी का जो पेंडिंग काम था उसे भी हमने पूरा कर लिया है और अब हम पूरी तरह से तैयार हैं एक्सप्लोरिंग पर निकलने के लिए। बस मुझे चुनना है कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। तो आई गेस इसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं कि हमें इस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, कैसी कैसी लूट मिलती है।
अब रास्ते में निकल गया तो थोड़ा फूड भी कलेक्ट करता चलूँ। ये बात बड़ी अच्छी हो गई गाइस कि मुझे अपनी शॉर्ट के फायर एस्पेक्ट का एन्चेंटमेंट मिल गया। अब मैं रास्ते में घूमते घूमते भी अपना खाना कलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे अलग से फर्नेस बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये होती है अच्छी किस्मत। और ये मिल गया मुझे एक डॉग, इसे टेम कर लूं, लेकिन मेरे पास हड्डियां ही नहीं है। ये मिल चुकी है मुझे स्प्रूस ट्रीज की बायोम, तो इसे कुछ सैपलिंग्स ले लेते हैं और इस बायोम से फिर बाहर करते हैं, और हो सके तो यहाँ से स्वीट बेटी के बुशेज भी ले लूं। और ये पास हो गई हमारी पहली एक्सप्लोरिंग की नाइट। मैं एक बोट भी बना लेता हूँ ताकि मुझे इन पानी के छोटे छोटे गड्ढों से जाने में आसानी हो। और ये मिल गए मुझे स्वीट बेरी, इन्हें अपने साथ घर लेता चलूं। और इन स्वीट बेरीज को लगा सकते हैं ना? हाँ लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात हो गई। रास्ते में अगर भूख लगी तो इन्हें खा भी सकते हैं और घर जाकर इन्हें लगा भी सकते हैं। इन मशरूम्स को भी अपने साथ लेता चलूं। भाई यहाँ तो दूर दूर तक बस स्प्रूस ट्रीज ही दिख रहे हैं, आगे बढ़कर देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है। और ये मिल गए गाइस मुझे अपने सबसे पहले अजेलिया ट्रीज। भाई ये बायोम कितनी लंबी चौड़ी है, इतनी दूर तक आ गया फिर भी मुझे बस स्प्रूस ट्रीज ही दिख रहे हैं, कोई और बायोम तो मिल जाए। यहाँ मुझे कुछ आयरन दिख रहे हैं, इनको भी ले लेता हूँ। आयरन कभी भी मिले भाई छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये हो रही है दूसरी रात, इसे भी पास कर लेता हूँ। भाई मुझे घोड़े तो इतने सारे मिल रहे हैं लेकिन सैडल एक भी नहीं मिले, एक भी विलेज नहीं दिखाया अब तक। अब जब सैडल ही नहीं होगी तो घोड़ों पर राइड कैसे करूंगा। तो गाइस ये मिल गए मुझे सांस बायोम,
आप कभी जब स्लाइम की जरूरत पड़ेगी तो यहीं पर आ जाया करेंगे। और यही गाइस मेरा लक देखो, पहले ही स्लाइम प्लायोम में जैसे ही घुसा वैसे ही मुझे बिच शॉट मिल गया। इस बिच को मार दूं? आगे से मार देना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगी यार। ओके मरते ही बिच। ओके बिच को तो हमने मार दिया, अब आगे बढ़े। इसमें बिच शॉट में कुछ मिलता है यार? कुछ नहीं मिलता, बस एक काली कैप मिलती है और वो भी इधर उधर भाग चुकी है। ये रही विच की काली कैट। इन फूलों से क्या बनता है भाई? लाइट ब्लू डाई। ओके इसे भी कुछ रख लेंगे। ओके कुछ फूल भी रख लेंगे। ये फूल देखने में मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं इसलिए इन्हें भी रख लेता हूँ। और ये मिल गया मुझे स्वैम्प बायोम के सबसे पहले फ्रॉग। अब इनका कोई काम तो है नहीं तो इसे मार के देखो क्या ये कुछ देते हैं। और एक्सपीरियंस भी नहीं देते भाई। ये देखो भाई क्या केव है। केव में फिर तक आ रही है। नाइस केव है। ओके ये केव तो बड़ी अच्छी है यार। गाइस ये देखो ये मिल गया मुझे अब मेरा सबसे पहला विलेज। और सबसे पहला तो नहीं क्योंकि इसके पहले एक डेड विलेज मिला था, लेकिन ये मिल गया है मुझे सबसे पहला लिविंग विलेज जहाँ पर विलेजर्स होने चाहिए। होने तो चाहिए क्योंकि यहाँ पर फसल लगी हुई है, चेक कर लेने चाहिए। ओके यहाँ पर विलेजर्स हैं तो हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस विलेज को लूट लिया जाए। इस आयरन गोलेम को भी मार दें, हमें कुछ आयरन मिल जाएगा। नहीं इसे अभी रहने देते हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन देगा यार। और ये क्या बेच रहा है देख लो, 7 एमरल्ड्स के बदले एम्प्टी बैग नहीं चाहिए। ये टाइम हो चुका है इनके मीटिंग का इसलिए ये लोग ग्रुप बनाकर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके गाइस तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत एक्सप्लोरिंग की, हमें मिल गए फ्रूट ट्रीज, कुछ स्वीट बेरीज, रेड मशरूम और अंत में मुझे मिल गया ये विलेज। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि हम इन विलेजर्स के साथ क्या कर सकते हैं। और तब तक के लिए गुड बाय।